नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट, विगत 3 माह से वेतन नहीं दिए जाने से सचिव संघ ने शनिवार को बालाघाट विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों की ओर से जनपद सीईओ को व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गयी की 3 माह के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जाए। वही सचिव संघ मदन लाल धाबड़े ब्लॉक अध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया की कोरोना वायरस के रूप में फैली महामारी में वह अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चे सैनिक की तरह ग्रामीणों को संक्रमित होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी सचिवों की इसी भूमिका को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सचिवों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है। परंतु इस महामारी के बीच बालाघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया है। इस कारण कई सचिवों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल धावड़े ने बताया कि योद्धाओं का कहना है कि 7 दिन में वेतन भुगतान नहीं हुआ तो 15 जुलाई को वेतन नहीं तो काम नहीं आंदोलन किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वेतन के भुगतान के लिए वह शीघ्र बजट आवंटन कराएं, इससे सचिवों को नियमित वेतन का भुगतान हो सके। क्यों जमा हुए हैं आप लोग? हम लोग जो है ग्राम पंचायत के सचिव है, जनपद पंचायत बालाघाट। हम लोग जो है विगत 3 माह से सचिव लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम जो है भुगतान नहीं होने के कारण जो है 15 जुलाई से हम लोग जो शासन को अवगत करा रहे हैं कि हम जो है काम नहीं तो पैसा नहीं तो काम नहीं के बदले जो आंदोलन करने के लिए जाने वाले हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में जो है इस प्रकार जो है सचिव लोगों को भुगतान नहीं होने के कारण जो है ये प्रदेश के द्वारा लिया गया निर्णय। क्या ऐसा हमेशा समस्या बनी रहती है या अभी कोरोना काल के कारण ऐसा हो रहा है? ये सचिव लोगों का जो है कभी भी समय पर भुगतान नहीं होता और हम सभी लोगों को पेमेंट के लिए बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। ये हम शासन से यही मांग करेंगे कि हमको जो एक निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह जो है पेमेंट मिलना चाहिए। पंचायत सचिवों ने आज ज्ञापन सौंपा है तो इसके विवरण जानना चाहेंगे। ये अभी मुझे अपना मदन लाल धावड़े जो सचिव सब के अध्यक्ष है उनके द्वारा अपना ये ज्ञापन दिया गया है कि इनको तथा 3 महीने से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ और मानदेय प्राप्त नहीं होने के कारण ये इनका कहना है कि वेतन नहीं तो काम नहीं, यह आंदोलन 15 जुलाई से करना चाह रहे हैं। हम इनके पत्र को कुछ अधिकारियों को भेज देंगे, जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इनका अगर आवंटन है तो इनको वेतन बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो। सर, जनपद बालाघाट में सचिवों के द्वारा हमेशा शिकायत प्राप्त होती रहती है कि उनको समय पर किसी भी माह वेतन नहीं मिलता, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखो यार, हमारी कोशिश तो ये रहती है कि इनको और चाहे कोई भी कर्मचारी हो समय पर वेतन मिले। सिर्फ दिक्कत ये आती है कभी आवंटन का कोई ये आता है इशू या अपना क्या बोलते है कभी कंप्यूटर में एरर के वजह से, इसी वजह से ये होता है। नहीं तो कोशिश हम ये करते हैं कि इनको वेतन समय पर मिले। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।